कैसे हो? मजा आ रहा है? ठीक है, झूले झूले सारे ले, चलो बढ़िया बढ़िया। हेलो कर दो, हेलो। तो जो भूत बंगला की जो टिकट है 50 रुपए यहाँ पे है काउंटर, ये रहा। हाँ जी फ्रेंड्स नमस्कार, तो क्या हाल चाल आपका? तो जैसे कि आपको पता है कि मोगा में ट्रेड फेयर आज ओपनिंग थी, तो 4 तारीख है आज, 4 मार्च आज। तो मेरे पीछे आप देखते हो कि बिल्कुल एक रेड फोर्ट की तरह एक एंट्री गेट बनाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा है एंट्री गेट, काफ़ी मेहनत से लोगों ने बनाया है। तो ये दिल्ली ट्रेड फेयर हो सकता है और काफ़ी शहरों में लग चुका है, और आज मोगा की टर्न है, तो मोगा की में भी आज ये ट्रेड फेयर भी लग चुका है। तो ये है दोस्तों एंट्रेंस, और आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसका ओवरव्यू कि किस तरह से अंदर क्या क्या आइटम्स है, क्या क्या देखने लायक है। तो एक उन्होंने बेसिकली एक नया अभी ऑप्शन दिया है किंग कॉन्ग का कुछ का, तो उसका भी पूरा आपको ओवरव्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये तो है एंट्रेंस, और अभी चलते हैं अंदर। तो ये एक जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे किंग कॉन्ग डायनासोर पार्क, तो कुछ इन्होंने एक मेन अट्रैक्शन बना रखी है किंग कॉन्ग डायनासोर पार्क की भी, ठीक है। और अभी जो दुकानें हैं, अभी जस्ट सामान यहाँ पे रखा जा रहा है, तो क्योंकि आज जो है पहला दिन है, तो जिसकी वजह से अभी सजावट हो रही है, तो डेकोरेशन का सामान अभी आ रहा है। तो धीरे धीरे ये 3-4 दिन के बाद मुझे लगता है कि जितने भी शॉप्स हैं उनको सब अब डक जो सामान है वो ठीक हो जाएगा। और फिलहाल तो जो मेन अट्रैक्शन है कि डायनासोर पार्क है, तो ये है एंट्री ऑफ डायनासोर पार्क की। तो भैया यहाँ पे खड़े हैं, भैया नमस्कार। हाँ तो पहला दिन है आज ना, तो अंदर किस तरह का है, क्या माहौल, मतलब डायनासोर जानवर जैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, डायनासोर भी है। और टिकट कितने की इसकी? 70 रुपये की। 70 रुपये की टिकट है, ठीक है। तो 70 रुपये टिकट है कि बंदा अंदर जा सकता हो पूरा, ठीक है। मतलब हाल 10-15 मिनट का होगा अंदर, इतना ही होगा बस। हाँ चलिए ठीक है भैया। तो भैया ने बोला कि ना 70 रुपीज़ की टिकट होती है, वो आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे शॉप्स हैं वो लग चुकी हैं, ठीक है भैया। यहाँ पे भैया कहाँ से आए हो? बॉम्बे का आइटम है सारा। ओके ग्रेट सर। तो यहाँ और भी कई भी दुकानें हैं यहाँ पे। भैया कितने कितने का सामान है ये, क्या एक सेम प्राइस है कुछ ऐसा कुछ? हाँ सेम प्राइस है, एक दाम ऐसा कुछ करके ना। अच्छा ये आप लिखा भी हो यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, तो आप ये सामान मतलब कहाँ से लेके आते हो? मुंबई से आता है। मुंबई से सारा आइटम, ठीक है ठीक है। तो भाई मतलब पूरे 20 दिन के लिए स्टॉल इंद्र इनके साथ ही होते हैं आप? चलो गुड है भैया, ठीक है थैंक यू। और यहाँ पे काफ़ी बच्चों के लिए जो है छोटे छोटी आइटमें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्टोरेज ये बच्चों के लिए, ठीक है। भैया कितने की आइटम है सारी? ये सब 10 रुपये का आइटम है, हर माल 10 रुपये का है। अच्छा सब माल 10 रुपये का है, कोई भी आइटम ले सकते 10 रुपये का। ये टॉर्च से लेके कुछ भी आइटम आप खरीदते हो तो इसमें 10 रुपये का मिलेगा। सो मोस्ट ऑफ द जो आइटम यहाँ पे हैं वो 10 रुपये से स्टार्ट होती है। तो भैया ने बोला कि एक शॉप है यहाँ पे 10 रुपये की आइटम मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे टैटू शॉप भी है, टैटू भी अगर आपने बनवाना है तो बनवा सकते हो। हाय सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। अच्छा तो क्या आइटम लेके आए सर आप? सर हम तो साउथ इंडियन मैसूर के कर्नाटक के हैं सर। हाँ
हमारा एक आयुर्वेदिक तेल है सर, ये जी जी ये आयुर्वेदिक तेल है जो बालों को झड़ने वाला, बाल झड़ने वाला, टूटने वाला, गिरने वाला बाल जी 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 रुकावट करेगा चार दिन में ठीक और है। लंबा घना ग्रोथ करने के लिए हफ्ता में दो बार लगाने का 3 महीने का कोर्स होता है। लेडीज लोगों को 6 महीने का कोर्स होता है, जेंट्स लोगों को 3 महीने का होता है सर। आपको नहीं मांगता है तो भी उतना लंबा घना ग्रोथ आएगा। अभी आपका बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, सिर्फ आज से 4 दिन लगाया सर, 4 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टूटने वाला बाल को रुकावट करेगा, रिजल्ट 4 दिन में मिल जाएगा सर। लंबा घना ग्रोथ करने के लिए आप देख रहे हैं, आपने लगा रखे हफ्ता में दो बार लगाने का 3 महीने का कोर्स है। ये गारंटी वाला तेल होता है सर। हर्बल हेयर ऑयल आदिवासी का तेल बोलेगा तो पूरे इंटरनेट में इंडिया पूरा चल रहा है सर। तो ये था कुछ ऑयल बेच रहे थे यहाँ पे लोग, साउथ इंडियन है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बालों की दिक्कत नहीं आती, तो आपके झड़ने बंद हो जाते हैं, 4 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अब यहाँ पे एक बार आके ट्राई करो, 400 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ट्राई कर लो ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, ये देखिए। तो कैमल राइड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप अगर आ रहे हो ट्रेड फेयर में तो कैमल राइड भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये हैं बच्चे ऑर्गेनाइज करने वाले यहाँ पे। कितने की राइड मिलती है, तो कितने में? 50 में। अरे वाह, 50 रुपये, तो पहले था 100 रुपये में, आप 50 कम कर दिए क्या आज इस बार, क्या थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा दोगे? ठीक है, तो कितना टाइम का होता है ये राइड? एक राइड पूरा। अच्छा, हाँ जी बच्चों कैसे हो, मज़ा आ रहा है? ठीक है, झूले ले लिए सारा ले, चलो बढ़िया बढ़िया। हेलो कर दो, हेलो चलो ठीक है, बाय। सब्सक्राइबर, मोर सब्सक्राइबर, देखो यहाँ पे बच्चों के हमने सब्सक्राइब कर दिया। बच्चे सब्सक्राइब करते रहो ठीक है, चैनल वीडियो देखते रहो, चलो एंजॉय करते रहो सभी जगह। ओके ठीक है, हाँ भैया अरे बच्चे कर रहे हैं खूब एंजॉय, वाह। अंदर क्या है, भूत है? ऐसे करते मुक्के मारते हैं क्या आप? गए नहीं तो चले जाओ यार, पैसे नहीं है। कितने मांग रहे हैं पैसे? 50। अच्छा 50 की टिकट है, भूत अंदर बहुत जरा अंदर लाके देख लो, क्या थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे क्या? तो जो भूत बंगला की जो टिकट है 50 रुपये, यहाँ पे है काउंटर ये रहा, और ये है भूत बंगला की। और यहाँ पे चंडोल भी काफ़ी बड़ा है, बट इन्होंने अभी बंद कर रखा है। तो चंडोल कब चलाओगे? कल चंडोल चलेगा, कल फिर आएंगे। बाय। हाँ जी हाँ जी, की चक्कर है, की मसला है? ओया भाई बहन दे यार, हाथों की छोटा यार, इतना छोटा बेसिकली आज
फर्स्ट डे है जिसकी वजह से काफ़ी राइड्स आज बंद है, तो धीरे धीरे जैसे क्राउड होगा, क्योंकि आज पहला दिन है, काफ़ी राइड्स उन्होंने अभी बंद ही कर रखी है, क्राउड कल होगा क्योंकि कल है संडे। तो मुझे लगता है कि आपको एक दो दिन छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इन्होंने जस्ट एक ट्रायल की वजह से जो अपनी राइड्स ओपन करी हैं, तो पीछे कुछ राइड्स भी चल रही हैं, और अगर आपको आना है तो आप दो या तीन दिन छोड़ के यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ मोगा ट्रेड फेयर, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, और जो सबसे मुझे मेन अट्रैक्शन लगी है वो इसका जो गेट है, जो इसका लाल किला रेड फोर्ट की जो दिल्ली में है, उस तरह के जो गेट इन्होंने बना रखा है वो काफ़ी अट्रैक्शन है। स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग में हम एंट्री करते हैं तो वो गेट आता है सबसे पहले, तो वो काफ़ी एक अच्छा अट्रैक्शन है। मोगा में ये पहली बार हो रहा है, और किंग कॉन्ग डायनासोर अभी अंदर जाके पता चलेगा कि किस तरह से है। 70 रुपीज़ की टिकट है, बाकी आज क्यों टिकट नहीं है क्योंकि आज पहला दिन है, तो इसकी वजह से टिकट काउंटर अभी बंद है। तो धीरे धीरे आपको जैसे मैंने बताया कि अंडर रेनोवेशन चल रहा है थोड़ा सा, अभी तो ओपन उन्होंने कर दिया है, बट ये है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है और काफ़ी राइड्स भी चल रही हैं। मोस्टली दो या तीन दिन में जो खाने पीने की काफ़ी आइटम्स की यहाँ पे शॉप्स भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देते हो। और मीन वाइल इन स्टॉल्स में अभी कोई भी नहीं है, अगर आपको किसी को स्टॉल भी लगानी है तो मुझे लगता है कि 1000 पर पर्सन पर डे के हिसाब से लेते हैं, तो काफ़ी स्टॉल्स अभी मतलब खाली पड़े हैं, तम्बू काफ़ी खाली पड़े हैं। तो ये है फ़िलहाल आज की अपडेट। तो ये अभी है मोगा ट्रेड फेयर के जो स्टार्टिंग, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ओपनिंग है, ओपनिंग में कौन कौन सी जो राइड्स ओपन है, कौन कौन से जो शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, किस तरह के यहाँ पे एनवायरनमेंट है। तो आगे भी आपको मैं अपडेट दूंगा दो या तीन दिन के बाद, जैसे क्राउड बढ़ेगा, जितनी सारी राइड चलेगी एक वीडियो और भी आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, ठीक है, अगली वीडियो में आप मिलते हैं, ठीक है।